सर बहुत बहुत स्वागत है, आज आप बॉम्बे हाई कोर्ट पर आए। बहुत कुछ अगर आप बता सके, आदिल ने क्या आज केस फाइल किया है, किसको लेके, क्योंकि जो जानकारी आ रही है आप खुद बता दीजिए। देखिए, आपको तो पता होगा कि राखी ने आदिल के ऊपर एक FIR फाइल किया था ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, अंडर सेक्शन 377, 498, 504, 506, 509। तो उसको लेकर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, उसको लेकर हमारी लीगल टीम काफ़ी दिनों से उसके ऊपर सर्वे कर रही थी, उसके ऊपर सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। जब हमारे पास एक चीज़ प्रिपेयर्ड हो गई, तो हमने आ जाके उस केस के खिलाफ कॉशिंग के लिए फाइल किया है। क्या होता है कि जब किसी लेडीज का मैटर होता है या किसी औरत का मैटर होता है, तो पुलिस को पहले तो उनकी स्टोरी सुनकर उस चीज़ पे FIR लेना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं औरत के आगे जो कानून है वो थोड़ा लीनियंट होता है। पर कोई बात नहीं, उस जो उन्होंने लगाया था, जो इंसिडेंट उन्होंने पुलिस को बताया था कि ये इंसिडेंट में ऐसा हुआ था, इसलिए इसमें ये सेक्शंस लगे गए, तो उन सारी चीज़ों को हमारे एडवोकेट्स लोगों ने बहुत बारीकी से फॉलो करके जितने भी हमारे पास सबूत थे, जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स है, जितने भी विटनेसेस है, सारी चीज़ों को लेकर हमने एक चीज़ बनाकर आज कोर्ट के सामने पेश किया है। जब हमारी नेक्स्ट हियरिंग होगी, हमारे एडवोकेट्स उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आदिल को न्याय मिलेगा। लगातार लोग कहते हैं कि ऐसी खबर आती है कि एप्लीकेशन फाइल की जा रही है हर जगह, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन, आप खुद बता दीजिए। नहीं नहीं किशन, आपने भी बोला था। नहीं नहीं, हम एप्लीकेशन और मीडिया से हम बहुत दूर रहते हैं। मेरे हर इंटरव्यू में मैंने बोला है मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, और लीगली आप लीगली हमसे कितने भी एलिगेशंस लगाइए और लीगली हमसे कितने भी सवाल पूछिए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे विद प्रूफ। तो आज हमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाला है, आज हमने प्रॉपर केस फाइल किया है। आपको चाहिए मैं केस नंबर भी दे दूंगा, और हमारी जो तारीख हमको मिली जाएगी उस तारीख को हम प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करके वी आर रेडी फॉर द आर्ग्यूमेंट। ओके, अगर हम एक और बात करें कि एक बड़ा एलिगेशन लगाया है आज आदिल सर ने गाड़ी को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैं जनरल जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो केस नहीं है, कुछ नहीं है, बट ही एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द सी। कैसा है कि अभी हम जब कोर्ट में ये केस फाइल कर रहे थे, तभी आदिल ने हमको ये गाड़ी की डिटेल्स बताया, जैसे गाड़ी दिल्ली नंबर पर है, गाड़ी 2008 की है, गाड़ी के ऊपर स्क्रैप करके उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसकी जो ग्रीन टैक्स भरा जाता है वो नहीं भरा गया है, या उसकी RC बुक नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो हमने सुनी हैं, अभी तक नथिंग इज़ वेरीफाइड। जो चीज़ आदिल के पास पेपर्स आए हैं, उस सारे पेपर्सों को हम वेरीफाई करेंगे 2 दिन के अंदर, और हम अंधेरी RTO के ऑफिसर से मिलेंगे कि क्या इस प्रकार की, इस मॉडल की और विदाउट RC बुक, जो ऑलरेडी स्क्रैप की गई है, और जो दिल्ली स्टेट के अंदर जो गाड़ी स्क्रैप डिक्लेयर हो गई, वो मुंबई में चल सकती है कि नहीं चल सकती है, इसलिए हम मुंबई RTO में जाकर इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। अगर हमको लगा कुछ भी चीज़ इलीगल है, तो हमारे टीम ऑफ एडवोकेट्स उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे।